आप के लिए फिर से एक सक्सेस स्टोरी है सोनम सोनम बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है और इनका सी कैंपस प्लेसमेंट में आर में जॉब हुआ सीनियर ऑफिसर ऑडिट इंटरनल ऑडिट के जॉब प्रोफाइल पे इनका सिलेक्शन हुआ है सो हाय सोनम कैसे हो आप आई एम गोड सर वॉट अबाउट यू मैं बहुत अच्छा हूँ जर्नी इट्स माई ऑनर सर थैंक यू ओके, okay. so, जब आपका like, I think आपका बोले बोले या कह सकते हैं का okay. so, like, होने के बाद हुआ डायमा में so, इसलिए हम थोड़ा सा में हैं तो आपको कैसा लगा जब आपका सिलेक्शन हुआ था आर एस एम में एंड आपके पास ऑफर लेटर कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया सो हाउ वॉज योर फीलिंग एट द सर इट वाज रियली ग्रेट मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि एज यू नो आपको तो पता है कि मेरा कैंपस में नहीं हुआ था इंटरव्यू मेरा कैंपस में हुआ था बट कॉल मुझे ऑफ कैंपस आया था तो वो जो फीलिंग थी जो जॉब लेके नहीं जाना कैंपस से आई वॉज थ्रू आउट वेरी प्रिपेयर अबाउट कैम्पस प्लेसमेंट बट नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली एंड एक दिन बाद जब मुझे कॉल आया तो आई वॉज इट वॉज अ रियली ग्रेट फीलिंग एंड मैं बस यही बोल रही थी आई एम आई मैं हूँ ना सिलेक्टेड आई एम आई सिलेक्टेड आई एम आई टॉकिंग टू माई पेरेंट्स फॉर दैट नाउ और नॉट सो इट वॉज अ रियली ग्रेट फीलिंग फॉर मी एट दैट मोमेंट करेक्ट करेक्ट अच्छा आपकी जो थ्रोट जर्नी रही आपकी सीएमए कैंपस में मेरे साथ वो आपको कैसी लगी सब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़्यादा आपने अपलिफ्ट करी एंड uh, जो करंट अफेयर्स थे सर मैं बहुत ज़्यादा जीरो थी उसमें मुझे कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नहीं पता था तो दो चीजों का मुझे बहुत आई थिंक आपके क्लास से फायदा हुआ करंट अफेयर से आई वाज वेरी मच इन थ्रू आउट योर सेशन बिकॉज आप जीडी में करंट अफेयर्स काफी देते थे एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स सर जीडी आप लेते थे रोज तो उससे काफी मुझे हेल्प हुआ प्लेसमेंट के लिए एंड आई थिंक आपने एग्जाम के बाद ज्वाइन किया था हाँ हाँ सर जस्ट आफ्टर एग्जाम

सर मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश थी लाइक like, चार साल पांच साल का जो जर्नी था वो कम टू एन एंड हो रहा था एंड अभी मुझे ऐसा फेस था मेरी लाइफ का कि मुझे जॉब करना ही था एंड फर्दर स्टडीज इज लाइक ऑल मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अब मुझे क्लियर करना ही है सो so, जब वो रिजल्ट मैंने देखा तो चार पाँच साल का जो मेरा फ्लैशबैक हुआ है सर वो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखे इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ मैं इतनी इम्पेश बट ये सीएम ने मुझे इतना पेशेंस लेवल टेस्ट किया है ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ एंड रिजल्ट वाले दिन तो ऑफकोर्स आई वॉज वेरी हैप्पी माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी एंड कलीग्स माई फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी

अप्रोक्स फीन हंड्रेड बच्चे पास हुए थे तो प्लेसमेंट में ट्वेल्व हंड्रेड बच्चों ने अप्लाई किया था फॉर प्लेसमेंट पार्टिसिपेट किया था तो सर प्लेसमेंट में होता है इससे अफेक्ट तो होता है बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सर मैम मेरे फ्रेंड है एक अरविंद उसको भी जानते हो उसका एक में भी एक में भी उसका नाम नहीं आया था उसमें नाम नहीं आया था सर उसको पांच अटेम्प्ट लगे थे उसका एक में भी नाम नहीं आया था बट सर उसमें इतना जील था ना लेने के लिए जॉब वो थर्ड डे जो ओपन कैंपस होता है ना उसमें सब में बैठा था एंड ही गोट वेरी मच अ गुड प्लेसमेंट एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड इन हीसमेंट इट सेल्फ एंड दो तीन कंपनीज में ही गॉट शॉर्ट ही गॉट प्लेसड उसमें से उसने चूज किया सो सर इट्स अप टू यू बाकी प्लेसमेंट uh, के टाइम पे थर्ड डे में अगर आपका प्लेसमेंट नहीं भी होता है आप शोर्ट शॉर्ट जाओ एंड आपके ऊपर है आप ले लोगे इवन आई नॉट शॉर्टलिस्टेड इन मेरा शॉर्टलिस्टिंग नहीं था आर एस एम में बट फिर भी मेरे को जॉब मिला क्योंकि एक झील होनी चाहिए सर अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल से वो आएगा और आपके जितना आपका नॉलेज आप उतना लेके जाओगे आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी सो so, आपके इंटरव्यूज में ये हमारे जो थे नोटबुक्स थे इन्होंने काफी हेल्प सपोर्ट किया यस सर प्रिटी मच क्योंकि सर uh, इतना टाइम नहीं रहता है उस ड्यूरेशन में क्योंकि आप एक एंजॉयमेंट के जोन में भी होते हो ठीक है आपको इंजॉय भी करना है आपको फिर एट द सेम मोमेंट थोड़ा पढ़ाई का भी टेंशन रहता है तो आप इतनी सारी बुक खोल नहीं पाओगे अभी दोबारा और आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो आपके जो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स थे मुझे जीएसटी के भी आपके काफी अच्छे और डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स के भी एनडीएस स्पेशली सर थैंक यू सो मच उससे काफी हेल्प हुआ मुझे एनडीएस के, के भी काफी अच्छे नोट्स थे तो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर थे तो मुझे बुक्स खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी उसमें एक्चुअली काफी सारा कन्फ्यूजन है कि हम पढ़ाई के टाइम में उतना नहीं फोकस कर पाते हैं सी एफ आर के सब्जेक्ट में और सी एम एंस्टिट्यूट इतना पूछती भी नहीं है बट रियल वर्ल्ड में सिर्फ इंडेस ही पूछा जाता है तो इसलिए मैंने उसको टारगेट किया था कि काफी अच्छे बुक बना के दो कि सेल्फ स्टडी में भी स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए उसको डेफिनेटली सर काफी हेल्प हुआ ओके okay. अच्छा आपके जो ये अटैम्प्ट लगे आपके जैसे आपने बताया तो आखिर क्या मिस्टेक्स हो जाते हैं हमारे लाइफ में जिससे हमें अटैम्प लग जाते हैं और हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं बिकॉज आपने बाकी एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने क्रैक किया अटैम्प्ट भी लगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है हमारी जर्नी में तो आप थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हो कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में वन शॉर्ट अपना सी जर्नी कम्प्लीट करें ओके सो सर बेसिकली मैं बोलूंगी कि आप ट्रेनिंग जब आप कर रहे हो तो प्लीज फोकस ऑन योर ट्रेनिंग ओनली मेरी सबसे फॉरमोस्ट गलती यही थी कि मैंने ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही एक अटेम्प्ट दे दिया था एंड वो अगर मैनेजेबल नहीं हो पा रहा है एंड थर्ड ग्रुप पूरी जर्नी में सबसे टफ है तो उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दो उसको तो आराम से एक साल आप अपनी कैपेसिटी के ऊपर देख के देखो उसको अभी आप ग्रुप उसके साथ ट्रेनिंग के साथ उसको नहीं दे सकते हो तो अगर सम स्टूडेंट दे सकता है बट uh, मैं मेरी बात करती हूँ मेरी सबसे फॉमोस्ट मिस्टेक यही थी कि मेरी हुडको में ट्रेनिंग हुई है तो मैंने ट्रेनिंग के साथ वो एग्ज़ाम दिया पहली बार तो एंड एग्जाम दिया आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर अबाउट दैट तो मैंने उसको दिया एंड मेरे बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे 158 आए थे तो और आई वॉज स्टूडियस थ्रू आउट मैं स्कूलिंग में भी बहुत थी एंड कॉलेज के टाइम पे भी तो मैंने वो रिजल्ट को बहुत नेगेटिव ले लिया था मतलब वो इनकम्प्लीट देख के आई वॉज ऑल लाइक मैं बहुत शॉक में चली गई थी तो उस चक्कर में मैं कोप अप ही नहीं कर पाई एंड दो मंथ के बाद मेरा दूसरा अटैम्प्ट था तो सेकेंड अटैम्प्ट में आई गॉट वन एटी नाइन एंड वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड काइंड ऑफ सिचुएशन थी मेरे लिए मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे उसको लूँ तो इस चक्कर में मेरे दो अटेम्प्ट लग गए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को मत देखो आ, आ, अगर आपका दोस्त प्रिपेयर्ड है उसका माइंडसेट अलग होगा आपका माइंडसेट अलग है मैं अपने दोस्तों पे चली गई वो दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया उनके भी अटेम्प्ट्स लग गए मेरे भी अटेम्प्ट्स लग गए तो तो सर मैं यही कोई जरूरत नहीं है आपको जब आप प्रिपेयर हो तभी दो वरना मत दो क्योंकि एक इनकम्प्लीट वाला जो वो आप देखते हो ना वो बहुत अलग काइंड ऑफ फीलिंग रहती है आप उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंसान का जब भी उसने कभी भी इतना गंदा रिजल्ट ना देखा हो अपनी लाइफ में सो आई थिंक आपको वो इग्नोर ही करना चाहिए आप पूरा प्रिपेयर्ड हो तभी एग्जाम दो वरना मत दो स्पेशली फाइनल्स यार करेक्ट थैंक्स फॉर सेडिंग इट अच्छा आपने सीएमए कोर्स कैसे ज्वाइन किया था आपको कैसे पता चला था सीएमए कोर्स के बारे में आई so, वाज नॉट नोन अबाउट दिस कोर्स जब भी मैं सेकेंड ईयर में थी तब तक एंड uh, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना था तो मैं थर्ड ईयर से प्रिपेयर करने वाली थी बैंकिंग्स के लिए बट uh, मेरी कजन सिस्टर है शी इज ऑल्सो डूइंग द सेम सी एम ए एंड uh, उसके थ्रू मुझे सी एम ए के बारे में पता चला एंड मुझे काफी इंटरेस्टिंग कोर्स लगा था एंड सी ए तो मुझे कभी से नहीं करना था कभी नहीं करना था क्योंकि सी ए मुझे लगता था कि बहुत ही बड़ी प्रोसीजर है बट सी ए भी बड़ी प्रोसीजर निकली तो वो <laughs> एक बात अलग है बट सी ए मुझे कभी नहीं करना था तो मुझे सीएमए बहुत ही अच्छा लगा लाइक कॉस्टिंग से रिलेटेड था और कॉस्टिंग मेरा हमेशा से एक अच्छा अ, मतलब मैंने उसको पढ़ा उसके बारे में जाना सीएमए के बारे में तो मुझे काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा राइट right, राइट right. sure. ये अच्छी बात है एंड अच्छा आपको मेरे मेंटरशिप के बारे में आपको कैसे पता चला सर मैं आपको youtube पे फॉलो करती थी एंड uh, आपके youtube के थ्रू मुझे मालूम पड़ा एंड आप बहुत ज्यादा मुझे youtube पे भी संकेत सर हो गए आप हो गए आप लोग ने काफी अपलिफ्ट किया है सीएमए को सर सो so, मुझे उसके थ्रू आप uh, पता चला था youtube के थ्रू आपसे कनेक्ट हुई थी ओके थैंक्स थैंक्स

मिलने के कारण लाइक like, uh, जैसे आप इंटरव्यू में आप अच्छा कर पाते हो आपके पास काफी कंटेंट होते हैं बोलने के लिए इंटरव्यू में अगर आपने मल्टीपल ट्रेनिंग्स किए तो आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स को लाइक like, कितने टाइम की ट्रेनिंग करनी चाहिए और किस एरियाज में वो ट्रेनिंग में फोकस कर सकते हैं सर मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड फ्यूचर अपना देखना है तो आप प्लीज ट्रेनिंग भी कॉस्टिंग से रिलेटेड करो अगर आपको इंटरनल ऑडिट में देखना है तो आप ट्रेनिंग भी इंटरनल क्योंकि प्लेसमेंट में भी ये देखा जाता है इफ़ यू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और सेक्शन तो वो आपको पहले कंसिडर करेंगे सो so आप वो नॉलेज पहले लो जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट किस में है तो बात अलग है फिर आपको जो मिल रहा है तो पीएसयू ले लो या फिर मैं बोलूंगी फर्म इज वेरी मच नॉलेजेबल थिंग तो आप फर्म ज्वाइन कर सकते हो डोंट गो फॉर पीएसयू एंड मनी फर्स्ट आप पहले फर्म को ज्वाइन करो एंड uh, अच्छे से अपना स्किल सेट बढ़ाओ एंड यू शुड हैव अ गुड गुड नॉलेज ऑन एक्सेल एक्सेल वेल क्योंकि hmm. जब आप जॉब uh, में आते हो तो Excel भी आपको अच्छा अच्छा आना चाहिए फर्म फर्म इज इफ यू टू ऑप्ट फॉर ओके ग्रेट आज के में आप, like, हो अपनी से? मैं बहुत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है करोगे में करने के लिए, right? बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा कोर्स है and बहुत minimal price में हो जाता है सर मैंने खुद की कॉस्ट खुद ही निकाल ली मुझे ऐसा okay. फील होता है मतलब मैंने ट्वेल्थ के बाद आई थिंक मैंने कोई बर्डन ही नहीं दिया मेरे पेरेंट्स को सो so, कॉस्ट yeah. भी खुद निकाल लेता है एंड काफी छोटी जर्नी रहती है तीन साल की अगर आप अच्छे से इसको करोगे तो इजिली यू विल गेट सक्सी या करेक्ट करेक्ट सो बस आपको एक प्रॉमिस करना है खुद से कि सीएमए कोर्स के बारे में अपने फैमिली में अपने लाइक like, रिलेटिव में इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि और भी लोगों को पता चले और वो भी सीएमए कोर्स करें और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं ओके okay. सो so, हम यस yes, सबको मिलकर मिलकर अपने प्रोफेशन को आगे करना है यस सर डेफिनेटली सर ओके सोनम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर बाय बाय टेक केयर थैंक यू सर थैंक यू